नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद आलोक पे। मैं संदीप तिवारी, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि नए साल की शुरुआत आपने बहुत अच्छे से की होगी। मैथ्स की क्लास हम लोगों को लगातार एक सिक्वेंस से मिल रही है, जो बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की इस वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी विषयों के एक कुशल निर्देशन को आप लोग फील कर रहे होंगे और हर प्रकार के विषय आपको जो है अपने संस्थान के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं, संस्थान के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैथ की यह श्रृंखला जिसमें हमने एक सीक्वेंस आपको सबसे पहले परिचय के रूप में दिया, लगातार 2 से 3 लेक्चर के माध्यम से आपको चीजें हमने यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश करी, उसी कड़ी में आज नंबर सिस्टम का हम तीसरा पार्ट हम यहाँ पर लेकर आपके सामने, तीसरा लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया और उसके साथ साथ जो दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ यहाँ पर फैक्ट्स पे डिस्कशन किया, कुछ प्रश्नों को भी हल किया। आज हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण भाग जो कि आपकी खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ जो कि आपका एक एग्जाम शेड्यूल्ड है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आगामी 2 से 3 महीनों के अंदर ये परीक्षा होने वाली है जिसमें एक महत्वपूर्ण पद के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस करने जा रहे हैं। इस चैलेंज में मैथ्स की अनिवार्यता को आप समझते हैं कि कितनी बड़ी होती है और किस प्रकार से इसकी इसके इसके इसकी परफेक्शन के द्वारा आप अपने सिलेक्शन को एक सही अंजाम दे सकते हैं, आप सही सही बायने में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैथ के जो भी 20 से 25 प्रश्न आपको मिलेंगे, उन 20 से 25 प्रश्नों में जो आज के टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार हम सीक्वेंस से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। तो इस बीईओ की इस परीक्षा के ही मद्देनजर इसको ही फोकस करके हमने यहाँ पर टॉपिक को प्रिपेयर करने की स्टार्टिंग करी है, इसी की शुरुआत करी है। मैंने आज आपको नंबर सिस्टम के एक दूसरे पार्ट्स की तरफ यहाँ पर हम फोकस करने अटेंशन देने की जरूरत समझते हैं, वह टॉपिक है यूनिट डिजिट। खास करके यह टॉपिक आपको किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में जहां पर भी मैथमेटिक्स की अनिवार्यता होती है, चाहे वो यूपीटेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका किसी भी पेपर का किसी भी पार्ट का जो है आपका एक परीक्षा हो जहां पर मैथमेटिक्स अर्थमेटिक के रूप में पूछी जाती है, वहां पर यूनिट डिजिट का इंपॉर्टेंस आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज की यह क्लास पूरी तरह से इकाई के अंकों पर आधारित है जो कि थंबनेल में आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। जब आप लोग क्लास को शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको इस बात का आइडिया रहता है, इस बात की जानकारी रहती है कि हम किस टॉपिक को फोकस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के माध्यम से। इकाई के अंक, इकाई के अंक किसी संख्या के सबसे महत्वपूर्ण भाग को निर्देशित करते हैं, जहां से काउंटिंग की स्टार्टिंग होती है। किसी संख्या के अगर हम डिजिट्स को गिनना शुरू करते हैं तो इकाई से ही प्रारंभ करते हैं। हालांकि हम जब कभी किसी संख्या को लिखते हैं, खासकर इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं, क्योंकि मैंने जहां तक अनुभव किया है, आप किसी भी एक परीक्षा में देखते हैं कि 1 से 2 प्रश्न आपके इकाई से संबंधित जरूर होते हैं। इकाई से संबंधित इस प्रश्नों की अनिवार्यता के आधार पर ही मैंने यहाँ पर इस टॉपिक की यहाँ पर बात करनी आपसे सोचा कि हमने कहा जब भी कभी हम कोई एक संख्या को फोकस करेंगे, कोई भी एक नंबर हम लिखेंगे, तो लिखना संख्या का, देखिए आप सब लोग पढ़े हैं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, संख्या का लिखना प्रारंभ से होता है, मतलब यहां से चीजें लिखी जाती है, लेकिन जब रीडिंग की जाती है तो पढ़ा यहां से जाता है, मतलब आप इकाई से पढ़ना शुरू करते हैं। इकाई के बाद आप दहाई पर पहुंचते हैं, सैकड़े पर पहुंचते हैं, हजार पर पहुंचते हैं। इस प्रकार संख्या में डिजिट्स की काउंटिंग की जाती है, उसी हिसाब से संख्या का इवैल्यूएशन किया जाता है। सामान्य तौर पर अगर हम किसी एक संख्या को लिखना चाहें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक संख्या लिखकर दिखाने की कोशिश की, मैंने कहा 9, 8, 3, 4, 6, मैंने एक संख्या लिखा। अब आप सही निर्देशन की बात करिए तो कुछ इस प्रकार से संख्या का प्रेजेंटेशन किया जाता है, अंतिम से 3 अंकों पर कामा लगा करके संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। जब भी रीडिंग करते हैं या काउंटिंग करते हैं हम लोग यहाँ से करते हैं और कहते हैं दिस इज द यूनिट प्लेस, इसी को हम इकाई का स्थान कहते हैं। ये आपका दहाई होता है, सैकड़ा होता है, सीक्वेंस में हजार, 10,000 के रूप में संख्या आपकी डिजिट्स को इंप्रूव करती चली जाती है। सामान्य संख्या को देखकर कोई भी व्यक्ति इस बात की जानकारी दे सकता है हमें कि संख्या का इकाई अंक क्या है। अब आप देखकर बता रहे संख्या का इकाई अंक 6, तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन केवल कैलकुलेशन में है, जब हम विभिन्न प्रकार के समीकरणों को हल करते हैं जहां पर जो सामान्य ऑपरेटर होते हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग तथा उसके कुछ एनहेंस पार्ट, कुछ उसके इंप्रूव्ड भाग, जैसे कि आपको बेस एंड पावर का प्रयोग करना, घात का प्रयोग करना, इन सब पर आधारित जब प्रश्न मिलते हैं या उससे संबंधित कोई सीक्वेंस मिलता है तब जाकर के हमें कंफ्यूजन प्राप्त होता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास आज के इस लेक्चर के माध्यम से किया जाएगा, एक एक टर्म को यूज किया जाएगा। मैं आपको इस बात की श्योरिटी दिलाना चाहूंगा कि सारे अप्रोच आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज इकाई के आधारित। प्रैक्टिस हम थोड़ी कम भी करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा और प्रैक्टिस की भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में प्रैक्टिस भी करवाएंगे इससे संबंधित। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से ध्यान में बैठाइए, हालांकि कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से आपको सारा डाउट, सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा, मैं श्योरिटी देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए आपको इस तरह के नंबर पर, इस तरह के डिजिट्स पर इकाई के अंकों को काउंट करने में कोई समस्या, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब हमारे पास संख्याएं कुछ इस प्रकार से होंगी,
कि आपको जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। मतलब वह केवल दो नंबर ही नहीं होगा कि दोनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए। अगर दो ही डिजिट या दो ही संख्याएं आपको दी गई जोड़ने या घटाने के दौरान, तो हम लोग उस दौरान तो कोई समस्या फेस ही नहीं करते। प्रॉब्लम तो तब होती जब हमें एक समीकरण दिया जाता है, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा संख्याएं दी जाती है, उस समय हम जोड़ने घटाने के दौरान इकाई के अंकों को ज्ञात करने में समस्या फील करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला टॉपिक ले रहा हूँ जोड़ और घटाव पर आधारित। जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्नों को हम एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक संख्या लिखा 98346 प्लस मैंने लिखा 2435 4 प्लस मैंने लिखा 92178 प्लस 42176। अभी मान लीजिए मेरे पास एक संख्याओं का समूह है जो कि सब के सब जोड़ने पर आधारित है। मुझसे पूछा गया है कि इस नंबर के लिए इकाई का अंक क्या होगा। आपसे इस प्रश्न का पूछा गया इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पर जरूरत नहीं आपको सभी अंकों को जोड़ने की, सभी संख्याओं को जोड़ने की, आपको बस डिजिट की काउंटिंग करनी होगी, डिजिट को ऐड करना होगा। जैसे 6 को 4 से जोड़िए तो आपको पता है शून्य आएगा। शून्य क्यों? क्योंकि 6 4 होता है 10, तो 10 का इकाई का अंक शून्य होता है, तो शून्य लिया मैंने। शून्य को मैंने 8 में जोड़ा तो मेरे पास 8 हुआ, और 8 को मैंने 6 में जोड़ा तो 14 का मतलब 4, इकाई का अंक इस प्रश्न के लिए 4 हो जाएगा। तो 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि आपने अंतिम अंतिम डिजिट को जोड़ा है। आप हर बार जब भी जोड़ेंगे तो आप इंड प्लेस के इंड प्लेस को ही नोटिस करते चले जाएंगे, चाहे इस प्रकार की संख्या हो चाहे कोई अन्य संख्या हो। मैं आपको अन्य संख्याओं पर भी फोकस करके दिखाता हूँ। मैंने कहा 4267 प्लस 23496 प्लस 52178। इस तरह की संख्या भी हमारे सामने अगर दी गई, हम लोग देख करके तुरंत बता देंगे 7 और 6 को जोड़ा तो 13 का मतलब केवल आप 3 लिखोगे, 3 का मतलब आप से जोड़ेंगे 3 8 11 का मतलब 1 होगा। इस प्रश्न का इकाई अंक आपका क्या हो गया? 1 हो गया। इकाई का अंक हमारे सामने यहाँ पर भी 1 बनकर आ रहा है। अब आपको जैसे जोड़ने पर तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे पास 4 5 डिजिट या 4 5 संख्याएं दी गई हो और मुझे इकाई के अंक को ज्ञात करना हो जोड़ने पर आधारित, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। हालांकि सीक्वेंस सीरीज जब बनेगी तो कुछ चीजें आपकी डिफरेंट होगी, लेकिन उसको भी हम बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। थोड़ी देर तक आप वेट करिए, सारी चीजें आपकी कन्फर्म होती चली जाएगी। एक एक सीक्वेंस शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत से एंड तक आपको उसी लेवल पर सारी चीजें मिलती चली जाएगी। अब आप जैसे मान लीजिए मैंने जोड़ की बात करी, थोड़ा सा घटाव की भी बात किया जाए। घटाव में भी अगर सामान्य प्रकार का कोई भी घटाव लिया गया, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हम घटाव कर रहे हैं, अब यहाँ पर यह संख्या अगर देखा जाए तो 5 डिजिट की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, यह भी देखा तो 5 अंकों की संख्या है। आप इसमें से इसको जब घटाएंगे तो स्पष्ट है कि घटाने के दौरान हम समझ रहे हैं कि पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है, बट जब इकाई के अंकों को आप जब घटाना चाहेंगे तो आप देख रहे हैं पहले स्थान पर 6 है, दूसरे स्थान पर 7 है। सामान्य तौर पर जब भी घटाव किया जाता है ऐसी स्थिति में हासिल लिया जाता है, और हासिल के दौरान आप यहां से बगल से जैसे एक डिजिट लाएंगे तुरंत यह मिलकर 16 हो जाएगी, और 16 में से 7 घटता है तो 9 आता है, अर्थात इस प्रश्न का इकाई अंक तो 9 हो गया। कंफ्यूजन इस बात की है कि अभी तो मान लीजिए मेरे पास 2 ही संख्या दी गई है, हमें ज्यादा संख्या दी जाएगी तो हम किस प्रकार से इसको मैनेज कर पाएंगे। ऐसी दशा में 6 से केवल 7 को घटाइए तो आपको मिलेगा 7 नहीं, 7 निकलेगा तो -1 आया। जब भी यह वैल्यू आपके नेगेटिव आए तो आपको नेगेटिव के दौरान आप उस संख्या को 10 से घटा दिया करिए तो आपको सही से पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त हो जाएगा, मतलब +9 हो जाएगा। जब भी इस प्रकार की स्थिति आए तो आप नेगेटिव को बस 10 से घटाते जाइएगा। जैसे अगर -1 आया है तो आप उसको 10 में से घटाएंगे तो आपका +9 हो जाएगा, ऐसे ही -2 होता तो आप 10 में से 2 घटा करके 8 प्राप्त करते, और इस तरह से आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो एक्चुअल रिस्पॉन्स उसको आप लोग प्राप्त कर लेते। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को होकर लेकर होता है हम लोग के दिमाग में, जैसे अगर इसी प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रेजेंट करें और हम कहते भैया ऐसे कुछ होता 82467 माइनस 92346 अगर होता, कंफ्यूजन की बात यहाँ पर थोड़ी सी बन रही है क्योंकि पहली संख्या आपकी छोटी है और दूसरी संख्या आपकी बड़ी है। हालांकि जैसे हम आपसे कहते कि 2 में से 5 घटाइए तो आपको स्पष्ट है कि हम भैया 2 से 5 नहीं घटाते हैं, हम 5 से ही 2 को घटाते हैं, बस केवल माइनस की साइन लगा देते हैं क्योंकि पहली संख्या छोटी है दूसरी संख्या बड़ी है, और इस बात की जानकारी जैसे ही हमको होती है तो 5 में से 2 घटाते हैं बट माइनस की साइन लगा देते हैं, 3 आता है और -3 आएगा। उसी तरह से आपको पता है जब भी इसमें से इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा, तो कोई भी अगर व्यक्ति इस बात से नंबर के बारे में पूरी जानकारी रख रहा है तो तुरंत कहेगा यह संख्या बड़ी या संख्या छोटी है, माइनस का सिंबल लगेगा बट घटाया नीचे इधर से इधर को ही जाएगा, माइनस का सिंबल लगाया जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा जो नंबर आएगा कुछ यहाँ पर माइनस में आएगा बट उसका जो इकाई का अंक होगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन का भी से थोड़ा सा बनता है, इकाई का अंक आपको स्पष्ट होगा कि 9 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप घटाएंगे तो इसी में से इसी को ना,
जो रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा आपको वही रिजल्ट सेम टू सेम यहाँ पर मिलेगा, बट कंफ्यूजन इस बात को, बस थोड़ा सा फर्क इस बात का रहेगा कि यहाँ पर जो आंसर आएगा पॉजिटिव में वही आंसर यहाँ पर देखिए किसमें आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो इतनी बात की जानकारी रखिएगा, कभी इस प्रकार से आपको अगर मान लीजिए स्थिति फेस करनी हो तो आप अपने कंफ्यूजन को ऐसे दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इकाई का अंक एज इट इज रहेगा, हाँ संख्या में यहाँ पर माइनस रहेगा, संख्या में यहाँ पर संख्या का जो नेचर रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, इस बात को आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा और यहाँ पर स्पष्ट करूं मैं आपको, जैसे कभी किसी स्थिति में 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, 8, 3, 4, 7 प्लस 2, 5, 3, 9, 7 या हम इसको 7 की जगह पर कुछ और कर देते, मैंने कहा 8 माइनस मैंने कहा 1, 1, 9, 1, 3, 4 इस टाइप से हमारे पास एक संख्या समूह। यहाँ पर आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर जोड़ भी है और घटाव भी है, हर प्रकार के कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको कैसे मैनेज और फेस कर पाए, इसके लिए आपको सामान्य रूप से प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। जैसे 6 में से आप 7 को घटाइए तो आपको माइनस 1 प्राप्त होगा, स्पष्ट है माइनस 1 को हम लेकर चलेंगे, सीधा सीधा पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर माइनस 1 लेकर चलेंगे और इस माइनस 1 को जैसे ही प्लस 8 के साथ करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 में से अब फिर से 4 को घटाएंगे, देखिए नेचर यहाँ का नोटिस किया जाएगा, यहाँ का नोटिस किया जाएगा, यहाँ का नोटिस किया जाएगा, इसी नोटिस के आधार पर ही 6 से मैंने 7 को घटा करके माइनस 1 लिखा था, माइनस 1 को मैंने प्लस 8 के साथ अप्लाई करके प्लस 7 लिखा था और 7 में से मैंने 4 को घटा करके प्लस 3 लिखा, आंसर आपके सामने कितना आया, 3 आया। तो 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है और यही आपकी इकाई का अंक है, यही आपकी इकाई का अंक है। अब इसी पर एक प्रश्न और मैं करूंगा जिससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो पाए। कभी भी इसी टाइप की स्थिति हम एक और फेस कराएंगे आपके सामने, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 8, 2, 1, 6 मैंने लिखा माइनस 5, 3, 4, 9 प्लस 1, 2, 1, 1, 2, 9, 3 फिर हमने लिखा माइनस 2, 4, 1, 8। चलिए अब यह हमारे सामने एक दूसरे प्रकार का चैलेंज है, दूसरे प्रकार का प्रश्न है, इसमें भी मैंने प्लस माइनस दोनों के कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करने की आपके सामने कोशिश करी है। फिर से 6 में से 9 को घटाना है, स्पष्ट है बीच में माइनस लगा है, देख रहे हैं आप साफ साफ, तो माइनस 3 तो आना अनिवार्य है, माइनस 3 को प्लस 3 के साथ अगर अप्लाई करेंगे तो शून्य हो जाएगा, आप सबको अच्छी तरह से पता है, और शून्य में से अगर 8 को घटाएंगे तो माइनस 8 आएगा, तो बट माइनस 8 एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप इस प्रॉपर कैलकुलेशन को अगर परफॉर्म करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें से इकाई का अंक जब हम नोटिस करेंगे तो प्लस 2 आपको प्राप्त होगा, सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ, इकाई का अंक प्लस 2 के साथ आएगा यह श्योर है। तो यह मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप सब लोग रिस्पॉन्स अपना कर सकते हैं, दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप सारी बातें यहाँ पर अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो चीजें आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो चलिए प्लस माइनस की स्थिति जो भी पॉसिबल है उसको मैंने समझाने की कोशिश करी। मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया कि हम इसके पे प्रैक्टिस भी कराएंगे, कुछ प्रश्नों को आपको सॉल्व भी करवाएंगे, लेकिन वो अगली क्लास में होगा, पहले यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आप पूरे अप्रोच को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो पहली स्थिति मैंने समझाई कि आपको जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, तो जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को आपने देखा समझा, जोड़ घटाव के साथ साथ यहाँ पर आपको जो अगला प्रकार मिलेगा वह गुणे पर आधारित होगा, गुणे पर आपको दो संख्याओं का गुणा, दो से अधिक संख्याओं का गुणा, एक पूरी सीरीज का गुणा, इस प्रकार से आपको तमाम तरह की स्थिति आपको दी जाएगी जिसमें इकाई के अंकों को फोकस करने के लिए कहा जाएगा, ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। इसमें फैक्टोरियल के प्रश्नों को भी पूछा जाता है, लेकिन हम आज जितना आज आपको बताएंगे उसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ एडवांस सीरीज में कंप्लीट हम कंटिन्यू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। गुणा समझिए, गुणा एक मैथ का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जब आप संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे कि मैंने कहा 98 को हमने गुणा किया 43 से, या हमने इसको गुणा किया 21 से, ये सिंपल सा गुणा है, और इस गुणे के दौरान आपसे इकाई अंक पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपसे इकाई अंक पूछा गया है, सामान्य प्रक्रिया है जैसे अभी तक करते आए हैं, सामान्य प्रक्रिया रहेगी जैसे अभी तक करते आए हैं। क्या करेंगे बताइए, साफ साफ आप यूनिट डिजिट को गुणा करेंगे, 3 को 8 से तो कितना आएगा 4, और 4 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, आंसर हो गया 4। देखिए 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 का मतलब आप यूनिट डिजिट लेंगे 4, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो मान आपका कितना आया 4 आया। इसी तरह से अगर हम दूसरा प्रश्न उठाए, मैंने कहा 29, 43, 46, 81, 49 या 43, इस टाइप से हमने यहाँ पर 47, ऐसे हमने यहाँ पर संख्याओं के थोड़ा सा सिंबल्स को या नंबर्स को, डिजिट्स को बढ़ाया, जैसे बढ़ाया कोई बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने नहीं आई। 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 का मतलब 7 होगा, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 का मतलब 2 होगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 होगा,
दो को तीन से गुणा करेंगे छह होगा, छह को सात से गुणा करेंगे बयालीस का मतलब दो होगा, यूनिट प्लेस आपके पास दो आया। एक बार फिर कंफर्म करिए, नौ को तीन से गुणा कर सत्ताईस, सत्ताईस का मतलब सात हुआ, सात को छह से गुणा किया बयालीस का मतलब दो हुआ, दो को एक से गुणा किया दो हुआ, दो को तीन से गुणा किया छह हुआ, छह को सात से गुणा किया बयालीस, बयालीस का मतलब दो हुआ। यूनिट प्लेस को ही लेकर चलना है पूरे कैलकुलेशन के दौरान, आपको केवल इकाई के अंकों को ही फोकस करते जाना है। आप ऐसी स्थिति में आएंगे तो आप हमेशा है टाइप के प्रश्नों को कर पाएंगे। मैंने एक और बड़ा सीक्वेंस आपको दिया, सपोज करिए अगर मैंने आपको एक तीसरे प्रश्न की बात करी, मैंने कहा एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े पांच गुड़े छह गुड़े सो आर, बढ़ते बढ़ते पहुंच गए निन्यानवे, और मैंने आपसे पूछा कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आप ऐसे प्रश्न को अगर जब भी देखेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी किसी भी मल्टीप्लीकेशन में आपको अच्छी तरह से स्पष्ट है कि एक से लेकर निन्यानवे तक की संख्याओं का गुणा किया गया। ऐसी किसी भी स्थिति में जब भी आपको किसी भी गुणनफल के दौरान या गुणन के दौरान या गुणन कार्य के दौरान जब भी आपको किसी भी गुणनफल में या गुणनखंड में पांच और दो का प्रयोग अगर किया दिखा, आपको पांच और दो का प्रयोग देखते ही मान लीजिएगा गुणे में जीरो जरूर आएगा। अगर किसी में भी एक जगह पर इकाई का अंक शून्य हो गया तो पूरे इस गुणनफल में इकाई का अंक शून्य ही आएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी किसी भी गुणनफल में इकाई के अंक पे शून्य तभी आएगा जब उसके गुणनखंडों में पांच और दो का प्रयोग किया गया हो। पांच हो दो हो, पांच का दो से गुणा करिए देखिए दस आता है, इकाई पे शून्य आएगा। पांच का चार से भी करेंगे तो दो गुणनखंड के रूप में है, पांच के बीच इकाई पर शून्य आएगा। मतलब आपको कभी भी अगर जैसे डायरेक्ट फिलहाल यहाँ पे तो डायरेक्ट अभी थोड़ी देर बाद दस दिखेगा बीस दिखेगा, वहां पर इंड में शून्य है ही है, लेकिन हम पांच और दो को देख करके भी डिसाइड कर पा रहे हैं कि इकाई पर शून्य हो चुका है। और इकाई पर जैसे शून्य हो पाया तुरंत उस संख्या के अंत में इकाई पर आपको कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। अब मान लीजिए मैं अगर छोटा सा सीक्वेंस ना दे करके मैं कुछ इस प्रकार की भी बात आप लोगों से करता, देखिए अब इसको भी देखकर तुरंत कह देंगे इकाई पे शून्य आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने देखा यहां पर भी इसके इस संख्या के अंत में पांच है, इस संख्या के अंत में दो है। कहीं भी आपको अगर मान लीजिए शून्य ना दिखा, केवल पांच और दो दिख गया या पांच और दो के पावर्स में कोई संख्या जैसे 25 दिख गई, 25 तो फिलहाल दो डिजिट की होती है, आठ दिख गया, चार दिख गया क्योंकि दो में तीन टर्म और बढ़ा सकते हैं, तो कहीं भी आपको ऐसे टाइप के हर संख्या में इकाई के अंक में मान लिया करिए शून्य आएगा। अगर डायरेक्ट शून्य दिख गया तब तो बड़ी अच्छी बात है, डायरेक्ट अगर कहीं शून्य दिख गया जैसे हमने कहा 29, 88, 99, 110, 46, 97, अब इसको देखने की करने की रिक्वायरमेंट नहीं, तुरंत आप बताइए जब एक शून्य है इकाई पे तो शून्य का आना अनिवार्य हो गया, इकाई का अंक आपका इस स्थिति में क्या होगा, शून्य ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी यहां पर, ऐसे कभी भी कोई भी सिक्वेंस आपको संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन रूप आपको प्राप्त होता है तो पांच और दो के आने से ही हम लोग यहाँ पर इस बात की सियोरिटी समझ जाते हैं कि संख्या के इकाई के अंक में शून्य का आना सियोर है, कंपलसरी है। पांच और दो नहीं भी मिला तब भी हम इस बात की जानकारी रख लिए क्योंकि अंतिम में देखिए यहाँ पर एक शून्य प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त होते इस बात की जानकारी हमको हो गई है कि आपके इस पूरे कैलकुलेशन में इकाई के अंक में शून्य जरूर आएगा। तो शून्य जरूर आ रहा है, अब आप इस बात को समझ रहे होंगे जो मैंने आपको बताया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था जिसमें आपको जोड़ घटाओ और गुणे पर आधारित चीजें हमने आपको बताई। अब जोड़ घटाओ गुणे के बाद इसका अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, बेस्ड ऑन बेस एंड पावर, आधार और घात पर आधारित टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आधार और घात का अप्रोच मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है। आप हर चीज जानते हैं, हर प्रकार की संख्या को फेस करते हैं, हर प्रकार की जब संख्या फेस करते हैं तो संख्या आधारित होती है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो हम संख्याएं प्रयोग में लाते हैं उन सभी का एक आधार फिक्स होता है और वह आधार आपका क्या होता है, दस होता है। क्यों दस होता है? क्योंकि सभी जो संख्याएं बनती हैं वो जीरो से नौ तक के सिंबल या डिजिट से मिलकर बनती है, जीरो से नौ तक के सिंबल या डिजिट से मिलकर बनती है, इसलिए उन सभी संख्याओं का आधार दो दस होता है। हालांकि हर संख्या आधारित होती है, जैसे हमने सिंपली पांच लिख दिया, पांच का मतलब पांच की पावर एक होता है। आपने चार लिख दिया तो चार का मतलब दो की पावर आप दो लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम बेस और पावर की बात करेंगे, बेस एंड पावर की अगर हम बात करेंगे तो बेस और पावर का सिस्टम क्या है समझिए थोड़ा सा। हर संख्या का अपना एक बेस है और उसके ऊपर लगी एक पावर है। अब हिंदी में अगर हम इसको कह दें कि आधार है और आधार के ऊपर लगा एक घात है। मैंने आपको बताया कि चाहे जो संख्या है बाय डिफॉल्ट बेस तो सबका 10 है,
लेकिन हर संख्या खुद पर आधारित हो सकती है और खुद का एक बेस हो सकता है, खुद की एक पावर हो सकती है। तो जैसे मैंने यहां पर मान लीजिए अगर किसी एक संख्या की बात करी, मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो 2 तो आपका आधार हो गया और 3 आपकी घात हो गई। मुझे यहां पर 2 बात नोटिस करना पड़ता है, एक तो आधार के अंकों को, दूसरा घात के अंकों को। और इस बात की भी मुझे जानकारी है, जैसे मैंने कभी लिख दिया 14 की पावर 3, तो 14 की पावर 3 भैया 14×14×14 है। और मैं आपकी इस बात को भी जानकारी दे दूं कि अगर इसको सोचा जाए तो यह एक प्रकार का मल्टीप्लीकेशन का ही रूप है। अगर मैं 14 की पावर 3 की इकाई का अंक मैं पूछूं आपसे, या कोई कह रहे भैया 14×14×14 की इकाई का अंक क्या होगा, तो सेम ही तो आएगा। मतलब गुणे वाला नियम यहां भी काम कर रहा है, बस कंफ्यूजन इस बात की है गुणे वाले नियम में डिजिट्स या संख्याएं बहुत ही लिमिटेड होती थी, बट अगर घात लगी है तो घात बड़ी ज्यादा हो सकती है, 200-500 भी घात हो सकती है किसी की, तो उतने डिजिट्स उतनी संख्याएं हम लिख नहीं सकते काउंटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए। ऐसी स्थिति में हमें यहां पर यह प्रयास करना पड़ता है कि हम जो है ऐसी स्थिति में हम यहां पर यह प्रयास करते हैं कि हम कुछ ऐसे ही नियम को डेवलप करें जो नियम आधार और घात पर ही आधारित हो, और उसी से हम लोग चीजें यहां पर डिसाइड कर सके, हर स्थिति को स्पष्ट कर सके। मैं ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझिएगा सब लोग। अब जैसे मैं आपको ये बात बता ही रहा हूं कि हर संख्या पर अपना एक आधार फिक्स हुआ और उस आधार के साथ साथ उसकी घात लगी, आप समझते जाना सब लोग यहां पर। घात फ्रीक्वेंसी बताता है कि वो संख्या कितनी बार प्रयोग में लाई गई, किसके प्रयोग में, गुणे के प्रयोग में। कौन संख्या, जो संख्या आधारित है, जो संख्या मेन संख्या है वह कितनी बार गुणा की गई हमको घात बताता है, घात इस बात की जानकारी देता है। अगर ऐसा है तो मैं आपको इस बात की सिक्योरिटी दूंगा, चाहे आधार हो चाहे वह घात हो, अगर हम उनके अंकों की बात करें तो मैथ में 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे वह आधार होगी चाहे वह घात होगी, अगर आप गुणा कर रहे थे तो आप इंड प्लेस को ही तो गुणा कर रहे थे, इंड डिजिट को गुणा कर रहे थे, और इंड डिजिट आपका कोई ना कोई इन्हीं में से तो कोई अंक रहता है। आप गुणे के दौरान इंड प्लेसेस को केवल गुणा करते थे, इंड प्लेस लेते थे और वही इकाई का अंक बन जाता था। तो अंतिम अंक किसी आधार का क्या होगा, अंतिम अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही तो हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास पावर में दी गई है, मतलब गुणे को पावर में हमें सोचना है कि कितनी बार गुणा किया गया है। बाकी अगर मैंने देखा तो 0 से लेकर 5 तक 9 तक की डिजिट हमारे पास, मतलब कुल 10 डिजिट आधार की इकाई पर होगी। अब उसको ही देख करके मैंने इसकी 3 कैटेगरी बनाई है। 3 कैटेगरी में हम जो संख्याएं प्रयोग में लाएंगे उस संख्या की अगर हम बात करें तो आपको पता है संख्या आधार और घात पर डिपेंडेंट है, घात पर डिपेंडेंट है, आधार की इकाई का अंक देखना पड़ेगा क्योंकि इसी का गुणा करके हम लोग जो है यहां पर अंतिम प्लेस को या इकाई के अंकों को ज्ञात करते हैं। आधार की इकाई का अंक जब हम नोटिस करेंगे, आधार की इकाई का अंक नोटिस करेंगे तो मुझे यहां पर 3 कैटेगरी में चीजों को बांटना होगा। कहा जाएगा जब किसी संख्या, संख्या मतलब संख्या के आधार, आधार के अंत में 0, 1, 5 या 6 आए, जब किसी संख्या के अंत, अंत मतलब आधार में 0, 1, 5 या 6 आए, उस दौरान हमें करना क्या होगा, हम ऐसी स्थिति में कहेंगे किसी भी घात के लिए, किसी भी घात के लिए इकाई का अंक, किसी भी घात के लिए इकाई का अंक वही रहेगा, इकाई का अंक वही रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब मैं आपको कहूं, अगर मान लीजिए मैंने एक कैलकुलेशन की बात करी, मैंने कहा कि 1, 2, 5, 4, 0 की पावर मैंने लगा दिया 245 और मैंने पूछा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कह देंगे सर इसका इकाई का अंक तुरंत 0 होगा। क्यों 0 होगा, मैंने कहा किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 कुछ भी आएगा तो चाहे जितनी बड़ी पावर लगी होगी उसके इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। मुझसे किसी ने कहा 241 है कि पावर मैंने 138 लिखा, आप कह दीजिए इसका भी इकाई का अंक 1 होगा। आपने कहा 456 है और पावर मैंने 338 लगा दिया, आप इसको भी कहेंगे इकाई का अंक 6 ही होगा। इसी तरह से अगर मुझसे कोई कहे 4295 है कि पावर 1008 है, आप तुरंत इसका भी इकाई का अंक 5 ही बताएंगे। और क्यों बताएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं, आपको मैंने शून्य के बारे में जानकारी दी कि शून्य का चाहे जितनी बार गुणा किया जाए अंत में 0 ही आएगा। आप किसी संख्या के अंत में 1 रख दीजिए, 1 की पावर चाहे जितना लगाइए सबके अंत में 1 ही आएगा।
पांच की पावर चाहे एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, पांच का जब भी पांच के टर्म के साथ गुणा होगा अंत में पांच ही आएगा। उसी प्रकार से छह की पावर चाहे जितनी लगाते चले जाइए सबके अंत में छह ही आएगा। तो यह बहुत ही स्पष्ट जानकारी है कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य, एक, पांच या छह आता है तो उस संख्या के इकाई के अंत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शून्य के लिए शून्य रहेगा, एक के लिए एक रहेगा, पांच के लिए पांच रहेगा, छह के लिए छह रहेगा। तो यह बहुत बड़ी जानकारी है। जब भी इस प्रकार का कोई संख्या हमें समूह मिले जिसमें आधार के अंत में शून्य, एक, पांच, छह हो, घात चाहे जितनी बड़ी लगी हो, शून्य के लिए शून्य, एक के लिए एक, पांच के लिए पांच, छह के लिए छह आपको लगाना है। मेरे पास जो डिजिट थी, जीरो से लेके नौ तक की थी, तो शून्य का रोल खत्म हो गया, एक का रोल खत्म हो गया, पांच का रोल खत्म हो गया और छह का रोल खत्म हो गया। अभी बच रही है दो, तीन, चार, सात, आठ और नौ। अभी चलिए चार डिजिट हमने चार सिंबल को खत्म कर दिया है। अब मेरे पास चार सिंबल के बाद अगले दो सिंबल का हम प्रयोग करने जा रहे हैं और वह सिंबल है जीरो, चार और नौ। हम कहेंगे जब किसी संख्या के अंत में चार या नौ आए, तो चार और नौ की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। जैसे चार को अगर मैं लेकर चल रहा हूं और चार की पावर मैं जब एक बताऊंगा तो आपको पता है चार आएगा। चार की पावर जब आप दो करेंगे तो आपको पता है सोलह आएगा। चार की पावर अगर तीन करेंगे तो चौसठ आएगा। और चार की पावर अगर हम चार करेंगे 256 आएगा। तो इसी तरह से अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो आपको चार के टर्म में चीजें मिलती चली जाएंगी। यहां से हमको एक फर्क समझ में आ रहा है, एक चेंज समझ में आ रहा है। जब जब घात जैसे एक है, घात तीन है, देखिए चार ही रह गया। लेकिन अगर यही पर मैंने देखा कि घात दो थी और घात चार है तो छह दिख रहा है आपको, छह दिख रहा है। मतलब इस प्रकार से अगर घात पांच होगी तब भी चार आएगा, सात होगी तब भी चार आएगा, नौ होगी तो भी चार आएगा। कहने का अर्थ होता है कि घात अगर विषम होगी, घात विषम होगी तो चार आएगा, और घात अगर सम होगी तो आपको छह प्राप्त होगा। तो मतलब ये सिस्टम समझ में आया कि जब किसी संख्या के अंत में चार आएगा, आधार के अंत में चार आएगा, घात एक सम विषम संख्या है, घात एक विषम संख्या है, तो उसके इकाई के अंत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चार का चार ही रहेगा। परंतु अगर वह घात एक सम संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, इकाई का अंक आपका तुरंत छह हो जाएगा। दो मान यहां पर हुए चार के लिए, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, चार के लिए दो मान हुए, एक सम के लिए और दूसरा विषम के लिए। तो सम के लिए आपने देखा कि छह हो गया है, विषम के लिए चार एज इट इज रह गया, चार में कोई परिवर्तन नहीं होने पाया है। दूसरी बात, इसी तरह से मैं नौ की बात करूं तो नौ एक के नौ, नौ होता है, नौ की पावर एक में नौ की पावर दो करेंगे 81 होगा, तीन करेंगे 729 होगा, 729 होगा। नौ की पावर अगर हम चार करते हैं तो नौ 81 हो गया, नौ दुना 18, 8 26, 963 दो 65। तो ये मतलब देखिए आपको फिर वही स्थिति स्पष्ट हो रही है। क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जब पावर एक है, पावर तीन है, पावर पांच होगा, पावर सात होगा, सब में नौ ही रह गया, मतलब कोई चेंज नहीं। तो आपने देखा कि नौ के लिए जब आधार नौ है, घात एक विषम संख्या है, तो मान हमारा नौ ही रह गया। बट जैसे ही मैंने नोटिस किया कि घात हमारे पास एक सम संख्या हुई, चार है, छह है, आठ है, तो मान हमारा एक हो गया, मान हमारा क्या हो जाएगा, सम के लिए एक हो जाएगा। तो आपको चार और नौ दोनों में यह जानकारी आपको देनी है, चार और नौ दोनों में यह जानकारी देनी है कि अगर किसी संख्या के अंत में, मतलब आधार के अंत में चार या नौ आए, घात एक विषम संख्या है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई अंक एज इट इज रह जाएगा, चार का चार रह जाएगा, नौ का नौ रह जाएगा। लेकिन घात अगर एक सम संख्या है तो चार के लिए छह का प्रयोग और नौ के लिए एक का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को आप जहन में रख लीजिए और एक टेबल हम दिखा रहे हैं, उस टेबल के माध्यम से आप इसको और स्पष्ट कर सकते हैं। हमने कहा आधार की इकाई अंक यदि चार है, यदि नौ है, घात एक सम और विषम संख्या है, तो मैं बता दूं चार के लिए छह और नौ के लिए एक का प्रयोग किया जाता है, विषम के लिए चार का चार रहता है, नौ का नौ रहता है। तो आपको बस यही टेबल दिमाग में रख लेनी है कि चार और छह, चार और नौ के आधार का इकाई का अंक होने पर घात के सम विषम को नोटिस किया जाता है। सम की दशा में, चार के लिए छह और नौ के लिए एक लिखा जाता है, विषम की दशा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, चार का चार रहता है, नौ का नौ रहता है। एक दो एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2948 484,
कि पावर मैंने लिखा दिया यहाँ पर 235, फिर मैंने लिखा 8214 की पावर मैंने लगा दिया 1446। अब आप यहाँ पर नोटिस करिए, इन दोनों दशाओं में हमसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर आधार की इकाई 4 है, घात एक विषम संख्या है, तो विषम के लिए मैंने आपको बताया कोई परिवर्तन मत करिए, 4 का 4 रहेगा। लेकिन सम, अब यहाँ पर देखिए आधार की इकाई पे 4 है, घात एक सम संख्या है, अगर सम है तो आप स्पष्ट हो गया कि 4 के लिए यहाँ पर 6 का प्रयोग किया जाएगा। सेम स्थिति आप देख लीजिए ध्यान से, मैंने कहा यहाँ पर 92989 है, पावर मैंने 239 लगा दिया, 293 लगा दिया। इसी तरह से मैंने लिखा 9193439 की पावर मैंने 2468 लिख दिया। इन दोनों दशाओं में अगर आपसे इकाई का अंक पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है, तो 9 का 9 ही रहेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे यह एक सम संख्या प्राप्त हुई है घात पे, तो आप 9 की जगह पर यहाँ पर 1 का प्रयोग लिखेंगे और 1 इकाई का अंक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह बात खूब अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि अगर किसी संख्या के अंत में 4 आए या 9 आए तो घात के सम विषम को देखा जाता है। सम के लिए आप दोनों में, जैसे 4 में 6 का, 9 के लिए 1 का, जबकि विषम के लिए 4 में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और 9 में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस बात को आप लोग समझ कर चलिए। और इस तरह से अगर हमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया देखिए, हमने जो नोटिस किया तो 0156 का प्रयोग खत्म कर चुके हैं, अब 4 का भी प्रयोग खत्म और 9 का भी प्रयोग खत्म। अब बच रहा है 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8। तो थोड़ा सा मैं 2 3 7 8 के बारे में आपको जानकारी दे दूं। तो अगला जो प्रकार है हमारा है जब किसी संख्या के अंत में 2 3 7 या 8 आए, तो थोड़ी सी जानकारी 2 3 7 8 के बारे में आप समझ लीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 1 करिए, देखिए 2 आएगा, 2 की पावर 2 करिए तो आपको 4 प्राप्त होगा, 2 की पावर 3 करिए तो 8 प्राप्त होगा, 2 की पावर 4 करिए तो 16 प्राप्त होगा। अब जब 2 की पावर आप 5 करोगे तो आपको 32 प्राप्त होगा, 2 की पावर आप 6 करोगे तो 64 प्राप्त होगा। हमको इससे इस बात की जानकारी हो रही है, जानकारी ये हो रही है 2 की पावर 1 जो था वही 2 की पावर 5 पर है, 2 की पावर यहां पर जो था वही यहां पर है, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। मतलब हर 4 के बाद चीजें रिपीट करनी शुरू होगी, इकाई का अंक सेम आता चला जाएगा। 2 की पावर 1 2 3 4 तक तो डिफरेंट डिफरेंट इकाई के अंक आए, लेकिन पावर 5 पावर 6 पर फिर से वही रिपीटेशन चलता जाएगा, 5 6 7 8 9 पर फिर रिपीटेशन स्टार्ट होगा, फिर इसी तरह से आपका 3 डिजिट 4 डिजिट यूज करा जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और हर 4 के बाद चीजें अपने आप साइक्लिसिटी एक बनानी शुरू कर देगी, एक चक्रण एक साइक्लिसिटी बनेगी और चीजें अपने आप वही चीज इंप्रूव करती जाएंगी, वही रिपीट करती जाएंगी। सेम स्थिति 3 के लिए भी होगी, अगर 3 की पावर 1 करिए देखिए 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करिए 9 मिलेगा, 3 की पावर 3 करिए 27 मिलेगा, 3 की पावर 4 करिए 81 मिलेगा। फिर सेम स्थिति 3 की पावर 5 करेंगे 243 मिलेगा, देखिए वही चीज मिल गया। ऐसे ही 6 करने पर भी आपको इसी तरह से यह रिपीट कर जाएगा, तो हर 4 के बाद इसमें भी चीजें रिपीट करेंगे। 7 का करेंगे तो भी 4 के बाद चीजें रिपीट करेंगे, 8 का करेंगे तो भी 4 के बाद चीजें रिपीट करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इन चारों डिजिट्स के लिए नियम एक बनेगा, और वह नियम क्या होगा मैं आपको समझा रहा हूं, उस नियम को आप लोग समझिएगा। हमने बात करी है जब किसी संख्या के अंत में 2 3 7 या 8 आए, मैं इसकी जानकारी आप लोग को दे रहा हूं, 2 3 7 या 8 आने की बात हम कर रहे हैं किसी संख्या के अंत में। अब आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप किसी संख्या के अंत में 2 3 7 या 8 देख रहे हैं, इसका कुछ रूल हम इकाई के अंकों को ज्ञात करने का आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको जानकारी है कि आपके पास एक संख्या होगी बेस और उसके ऊपर लगी एक पावर। अब आपको पता है कि बेस के अंत में आप इन्हीं चारों में से कोई एक प्राप्त करेंगे, बेस के अंत में 0 2 4 2 3 7 या 8 प्राप्त करेंगे। घात जो भी रहेगी, क्योंकि आपने एक बात नोटिस करी कि हर संख्या चाहे 2 थी चाहे 3 थी चाहे 7 थी चाहे 8 थी 4 के बाद साइक्लिसिटी जनरेट कर रही, मतलब वही चीज रिपीट करती चली जा रही। ऐसी दशा में आप इस घात को, मतलब पावर को, देखिए स्टेप में आइएगा, पावर को 4 से भाग देंगे। जब किसी संख्या को किसी से भाग दिया जाता है दो चीज आता है, तो कोसेंट आता है, दूसरा रिमाइंडर। कोसेंट का मतलब होता है भागफल और रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो आपको यहां पर फिलहाल रिमाइंडर नोट करना है, कोसेंट से कोई मतलब नहीं।
आपको रिमाइंडर नोट करना है चार से। अच्छा, रिमाइंडर नोट किया और मुझे पता है जो रिमाइंडर होगा, क्योंकि चार से भाग दे रहे हैं इसलिए लेस आर इक्वल टू, या हम ऐसे सिंपली कहें लेस देन चार होगा, लेस देन चार होगा। अब आपको पता है, इस बात की जानकारी है कि किसी भी संख्या को अगर हम किसी से भाग देते हैं तो जो भाग देने वाली संख्या है जिसको डिविजर कहते हैं, अगर वह डिवाइड पूर्णता नहीं कर पाती है तो शेषफल उससे कम ही आता है। अब जब भी चार से कभी किसी संख्या को आप भाग देंगे तो इकाई का मतलब शेषफल जो आएगा वह चार से कम ही आएगा, मतलब शेषफल आपका एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है। ये बात आप समझ रहे हैं, शेषफल एक दो तीन आएगा। जो शेषफल आ जाए, बस अगले में जाइए और बेस की पावर उस शेषफल को लगा दीजिए, बेस की पावर रिमाइंडर कर दीजिए। जो रिमाइंडर है उनमें से आप देख ही रहे हैं, या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा। और जब किसी की घात एक दो तीन है तो बस गुणा तो तीन ही बार हो सकता है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम तीन बार करना होगा, नहीं तो एक ही बार, नहीं तो दो बार। तो दो तीन बार गुणा करना तो हम जानते ही हैं, गुणे का नियम हम पढ़े ही हैं। हालांकि मैं इससे और आसान करूंगा, लेकिन पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि जो भी हमारे पास संख्या दी जाएगी घात और आधार के रूप में, घात को आप चार से भाग देंगे, शेषफल नोट करेंगे, शेषफल एक दो तीन होगा। अब हम उस शेषफल को लाएंगे आधार के ऊपर, इस पावर को हटा देंगे, पावर जो बहुत बड़ी थी उसको हटा दिए और उसको बस केवल उसकी जगह पर शेषफल रख देंगे। और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो हम इवैल्यूएशन करेंगे और उत्तर हम लोग अपना यहाँ पर जो आएगा उसी के इकाई का अंक आपका उत्तर होगा, इकाई का जो अंक आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। हालांकि इसको करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टफ हो। जैसे मैंने मान लीजिए एक संख्या लिखा 2832 की पावर मैंने लगा दिया 4378 लगा दिया। चलो अब यहां पर इस संख्या को जब हम लोग सोचे कि चलिए हम इसका इकाई का अंक पता करें, तो एक दिमाग में देखिए कंफ्यूजन इस बात को लेकर आया कि इकाई का अंक हम ज्ञात तो करेंगे, लेकिन जो हमें स्टेप बताया गया है कि पावर को चार से भाग दीजिए, तो अब जब हम इसको चार से भाग देंगे तो चार से भाग देना इतना आसान थोड़ी है भाई, इतनी बड़ी डिजिट है, हो सकता है इससे भी बड़ी हो, और चार से भाग देंगे तो क्या इतनी जल्दी हम भाग दे पाएंगे। अब भाग दिया सपोज के लिए, तो कंफ्यूजन इस बात का है कि हम आसानी से भाग, ऐसी दशा में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और एक अल्टरनेटिव रूल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो घात है उसके सभी डिजिट को चार से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम के दो डिजिट को लेने की आवश्यकता है और इसी को आप चार से भाग दीजिए, 78 को केवल दीजिए, बाकी किसी संख्या को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चार की भाज्यता का नियम होता है, अगर किसी संख्या के अंत का दो डिजिट चार से कट जाए तो वह पूरी संख्या भी चार से कट जाती है। इसलिए जब 78 को चार से हम भाग देंगे तो हम डिसाइड कर देंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा, और आप सबको पता है 1976 होता है, मतलब आप 78 को चार से भाग देंगे और रिमाइंडर बताएंगे कि शेषफल यहाँ पर दो होगा। क्यों? 1976 होता है, 1976 होता है और 1976 हुआ तो रिमाइंडर आपका दो आया। अब इस रिमाइंडर को इस संख्या पर अप्लाई करना, जैसे 2832 है, 2832 की पावर हम दो लिखने की बजाय इसको भी ना लिख करके हम केवल दो जो इसका इकाई अंक है उसकी पावर दो लगाएंगे और इकाई अंक आपका देखिए चार आए, तो मतलब एक रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इस बात का हो गया कि आपको देखिए नियम पर जाइए, जो नियम अभी हमने लिखा था, आपको यहां पर कुछ खास नहीं करना है। अगर नियम पे हम फोकस करें, पावर के अंतिम के दो अंक लेने हैं, पावर के अंतिम का दो अंक लेना है और शेषफल निकालना है, और बेस का अंतिम का अंक मतलब केवल इकाई अंक लेना है, बेस का केवल आपको इकाई अंक लेना है, बाकी की जरूरत नहीं है हमें, तो बेस का केवल इकाई अंक लेना है और पावर का अंतिम का दो अंक लेना है। तो आप इतना करके यहाँ पर आराम से जो है इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी यही प्रश्न हमने जो किया अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको स्पष्ट हुआ होगा मैंने काफी चीजें रिड्यूस करी, मैंने केवल इसका अंतिम का दो अंक लिखा और इसका केवल अंतिम का एक अंक लिया और वहां से इकाई अंक हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर पा रहे हैं। बस केवल इसको हम चार से 78 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर दो आया। दो को हम पूरी संख्या पे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, हम केवल इकाई के अंक पे अप्लाई करेंगे और वहां से शेषफल मतलब इकाई का अंक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक आध प्रश्न और करते हैं जिससे कि थोड़ी सी और बातें यहाँ पर क्लियर हो पाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 2837 की पावर मैंने लगा दिया 434। चलिए 4341 लगाया हमने। अब हमने क्या किया, इसको चार से पहले भाग दिया, तो आपको पता है चार से भाग देने पर 10 से बार जाएगा और रिमाइंडर एक आएगा, रिमाइंडर एक। अब 7 की पावर हमने 1 लगा दिया तो 7 की पावर 1 केवल 7, यही आपका आंसर हो गया इकाई का। आपको बस केवल 4 से इसको भाग देना था, वो भी सबको नहीं, बस केवल अंतिम के दो अंकों को,
जो शेष फला है उसको अंतिम डिजिट पर अप्लाई कर दीजिए, उत्तर हो गया। आपने कहा कि 8 2 3 4 8 है, कि पावर हमने लगाया 5 3 9 7। अब आप देखिए इस तरह के प्रश्न हमारे सामने है, आप 97 को 4 से भाग दीजिए, 24 96 होता है, रिमाइंडर यहाँ पर भी एक बचा, 8 की पावर 1 लगा देंगे, उत्तर आपका 8। देखिए अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा सा जैसे अब बनेगा जब मैंने लिखा 2953 की पावर मैंने लगा दिया 512। अब देखिए आपने देखा यह जो संख्या है मेरे सामने, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं आप लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि इस प्रश्न में इकाई अंक आएगा, 12 को जब मैं 4 से भाग दिया तो पता चला रिमाइंडर आया 0। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा जब रिमाइंडर आ गया 0 तो 3 की पावर लगाए 0, भाई कंफ्यूजन तो यही है ना, 3 की पावर 0 और किसी की पावर 0 माना जाता है, 1। ऐसा करेंगे तो उत्तर हो जाएगा गलत। जब भी आपको ध्यान देना है कि जो अंतिम के दो डिजिट या कह दें कि पूरी संख्या 4 से पूर्णतः कट जा रही है, जब वह संख्या 4 से कट जा रही है तो शेषफल तो 0 आएगा, और शेषफल जब भी 0 आए तो 0 की जगह आपको 4 का प्रयोग करना है, 0 की जगह आपको 4 का प्रयोग करना है, और 3 की पावर लगाएंगे जब 4 तो होगा 81, और 81 मतलब इकाई अंक आपका उत्तर होगा, और यही सही प्रश्न का उत्तर। अब देखिए कंफ्यूजन देखिए इस बात को लोगों को लेकर आया होगा कि यहाँ भी तो एक ही है तो कंफ्यूजन क्या है, एक इसमें भी आ रहा है तो भैया यहाँ पर आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पर ऐसा नहीं होगा, जहां पर ऐसा नहीं होगा तो हम आपको दिखाते हैं कैसे आप किस परिस्थिति को फेस करेंगे जहां पर ऐसा नहीं होगा। तो आप देखिए जैसे मैंने लिखा 4 2 9 2 4 2 8 2 की पावर 1 2 3 6। अब आपके सामने देखिए एक प्रश्न है, मैंने इसमें भी जब इसको 4 से भाग दिया तो आप देख रहे हैं स्पष्ट कर रहे हैं 4 से भाग देते ही रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आया, और आपने सोचा कि मैं 0 लगा दूं पिछले की तरह, तो 2 की पावर जब 0 लगाएंगे तो आपका 1 आएगा, लेकिन मैंने कहा भैया गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मैं आपको श्योर कर दे रहा हूं कि आप 0 की जगह 4 का प्रयोग करोगे, और 4 का प्रयोग करेंगे जैसे ही देखिए 2 की पावर हमने 4 लगाया तो मान कितना आएगा 16, 16 का मतलब आंसर हमारा 6 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना होना चाहिए 6। इसलिए आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मत समझना कि हम पावर 0 लगा करके सही उत्तर ज्ञात कर पाएंगे, पावर 0 लगाने से उत्तर आपका मान लीजिए 3 में सही है, क्योंकि 3 की पावर 4 भी 81 होता है और 3 की पावर 0 भी 1 होता है, 1 सही है। 7 के लिए भी सही होगा क्योंकि 7 की पावर 4 करने पर भी अंत में 1 आएगा और 7 की पावर 0 लगाने पर भी 1 आएगा, लेकिन 2 और 8 में आप गलत कर देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सबके लिए वही करिए, 4 ही लगाइए, जब भी आपकी घात 4 से पूर्णतः कट जाए तो आप आधार के इकाई के अंक पर केवल 4 का प्रयोग करिए और वहीं से आप उत्तर को ज्ञात करिए। इस तरह से आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे मुझे पूरा विश्वास है, और यह इकाई के अंक का बेसिक अप्रोच था, एक बेसिक फाउंडेशन आपके मैंने जहन में डालने की कोशिश करी, और मुझे पूरी उम्मीद आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। इसी आशा के साथ इस क्लास की समाप्ति करते हैं, अगली क्लास में हम इससे संबंधित प्रैक्टिस और अगले टर्म को अगले अप्रोच को लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।